धारणता पंचायत जो पुनर्गठित हुई थी, पहले बड़ी पंचायत थी, पुनर्गठन के बाद जो नई पंचायत में जो नव निर्वाचित सरपंच मोमा राम जी देवासी साहब, उप सरपंच सुरता राम जी के साथ साथ पूरी धारणता ग्रामवासियों को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए और लोकतंत्र के इस पर्व में बहुत ही सौहार्दपूर्ण से आपने जो चुनाव कराया उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। गोमा राम जी लगातार आपके बीच में चुन के आ रहे हैं, सुरता राम जी बड़े सज्जन आदमी हैं, आपने इनको भी आगे मौका दिया और जो श्याम भाई ने जो गांव की विशेष जो समस्या गिनाई है, बाकी जो छोटी मोटी रूटीन की समस्या है आपके जनप्रतिनिधि सरपंच साहब उप सरपंच साहब बड़े जागरूक हैं, इनके माध्यम से आपके गांव की जो बिजली पानी सड़क स्कूल की समस्या है वो तो इनके माध्यम से आती रहेगी और ये सजग है हमारे तक पहुंचती रहेगी। और मंत्री जी शुरू से ही आपके गांव का प्रेम स्नेह आशीर्वाद उनको हमेशा से मिला है, तो उसके बदले में जो भी कर सकेंगे उसके लिए तैयार हैं हम। और जो नर्मदा नहर कमांड एरिया से जोड़ने की बात है, इससे और भी कई सारे गाँव वंचित है, जिस तरह से श्याम भाई ने बोला कि इसमें कोई शक नहीं कि गांव शुरू से हमारे साथ में रहा है, और इस तरह और भी कुछ गांव है जो नज़दीक होने के बावजूद भी उससे वंचित है, तो किस तरह से एक पूरी कार्य योजना बना के सिर्फ एक गांव विशेष के नहीं अपने क्षेत्र सांचौर के और भी जो हेमागुड़ा वगैरह और भी जो गांव वंचित है एक स्कीम बना के पूरा उसका बजट पास करवा के मंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली थी उनके भी दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि बिल्कुल पास से अगर कोई नर्मदा नहर जारी है और बाकी गांव सब संपन्न हो रहे हैं तो किसान की एक स्वाभाविक मांग होती है कि वो पानी हम तक भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ये आपकी जायज़ मांग है और मैं इस चीज़ का आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके गांव के साथ साथ जो दूसरे भी जो गांव वंचित है और जो लंबे समय से इसकी मांग उठा रहे हैं उनको पूरी योजना बना के और तकनीकी रूप से पूरा उसका टेक्निकल सर्वे करा के किस तरह से उन गांवों को जोड़ा जा सकते हैं इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। केंद्र से भी इसका कोई भी सहयोग लेना उसके लिए हम तैयार रहेंगे। अगली बार जब भी मंत्री जी आए तो मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना प्रस्ताव बना के लाएं, उसको किस चैनल के थ्रू वहां पे पहुंचाना है, और भी अगर गांव का कुछ भी काम काज रहेंगे हमेशा आप लोग हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको बुलाया।